जय हिंद साथियों, मैं राकेश मेहता, एयर वेटरन और मोटिवेशनल स्पीकर, आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी आज के माहौल में बहुत ही सटीक बैठती है। वैसे तो ये कोई भी सुन सकता है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेरे युवा साथियों से अनुरोध है कि प्लीज़ 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 इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने। दोस्तों, ये कहानी है एक खरगोश के झुंड की, जो जंगल से होकर के निकल रहा था। रात अंधेरी थी, घोर अंधेरा था और साथ में ही जंगल भी बहुत घना था। चलते चलते रास्ते में एक खड्डा आया और कुछ खरगोश साथी उस खड्डे में गिर गए। ऐसे में बहुत से खरगोश साथियों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, उन पर हंसे और उनकी आलोचना की। परंतु ऐसे में कुछ साथी ऐसे भी थे जो वहाँ पर उनके हौसले के लिए खड़े रहे और उनका साथ दिया और उनको हिम्मत बंधाई, उनसे कहा तुम मर नहीं सकते, तुम जिंदा रह सकते हो, तुम बच सकते हो, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, एक शर्त है कि तुम्हें हौसला नहीं हारना होगा। ये कहकर उन्होंने उनसे कहा कि तुम यहाँ हो तो सेफ हो, बाहर जाओगे तो मारे जाओगे, और वापस आने का आश्वासन देकर वो वहाँ से चले गए। अपने खरगोश मित्रों की कही हुई बातों को ध्यान में रखते हुए और विश्वास और निश्चय के साथ खड्डे में गिरे साथियों ने अपनी रात गुजारी, और वो बिल्कुल भी आलोचनाओं और उनके हंसी मजाक से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए और अपने लक्ष्य से डगमगाए नहीं। उन्हें केवल और केवल अपने दोस्तों की बात याद थी जो कह के गए थे हम लौटेंगे ज़रूर। किसी तरीके से उन्होंने रात काटी और सुबह हुई। सुबह होते ही उन्हें शोर सुनाई दिया। शोर सुनते ही उनकी आँख खुली और क्या देखते हैं कि चारों ओर हाथियों की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ खरगोश साथी भी साथ आए थे। उन्होंने आके बताया कि मित्रों, हमारे सहयोगी, हमारे प्रेमी, ये जो साथी हाथी हैं, इन्होंने हमें सुबह आने की राय दी थी और कहा था कि अगर हम इस समय जाएंगे तो वहाँ जंगली जानवर भी नहीं होंगे। ऐसे में उन्होंने सब ने मिल के उन खरगोशों को खड्डे में से निकाला। कुछ साथियों ने बताया कि रात को वहाँ से कुछ जंगली जानवर भी गुजरे थे, परंतु खड्डा गहरा होने के कारण कोई भी उनका शिकार नहीं कर सका। ये बात जो उन्होंने बताई थी कि आप इस खड्डे में सेफ हैं, वो बिल्कुल सही साबित हुई। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को आज ऐसी ही कंडीशन में पाते हैं। ज़रूर हम भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जी हाँ, हम अपने घरों में फंसे हुए हैं। ये कोरोना वायरस ने हमें अपने घर रूपी खड्डे में गिरा रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार जो है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रही है और वो जानती है कि हमें यहाँ पर कितने टाइम तक रहना है, और वो हमें सही समय पे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। हम थोड़ा सा और पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें, तो हमें ज़रूर विजय प्राप्त होगी, हम यहाँ से सेफ निकल जाएंगे। हमारे साथी, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर पूरा उम्मीद है, और जो एक सकारात्मक ऊर्जा हमें चारों तरफ से प्राप्त हो रही है, वो हमें बचा सकती है। याद रहे, उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिस पे ज़िंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और नए संदेश, एक नई कहानी के साथ में। तब तक बी सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू। जय हिंद।